और आज संपूर्ण भारत में मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई घर ऐसा शेष नहीं बचा होगा जिसमें दीप के दिया को दियों के द्वारा प्रकाश एवं मोमबत्तियों के द्वारा प्रकाश आदि आदि प्रकाश की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्होंने लाइट बंद करके कृत्रिम प्रकाश को बंद करके और ये जो अनादिकालीन शाश्वत प्रकाश है दीप का प्रकाश इसके लिए हम सब लोगों ने पूरे देशवासियों ने खास तौर की तरफ से संतों की ओर से ये कार्य आज पूर्ण किया है और सुनिश्चित समय पर ये कार्य पूर्ण हुआ है। प्रधानमंत्री जी को हम सभी संत आश्वासन ही नहीं देते हैं बल्कि संत होने के नाते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके ऊपर कृपा करें, पूरे देश के ऊपर कृपा करें और संतों का आशीर्वाद उनके साथ लगे, संपूर्ण देशवासियों का कल्याण हो, कोरोना रूपी अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए और पूरे विश्व में समाप्त हो, इसके लिए भारत देश को परम गौरव परम श्रेय मिलने जा रहा है और भारत देश के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे विश्व का गौरव प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनकी पहल बड़ी सार्थक रही और वो पहल सफल हो रही है और काफ़ी मात्रा में प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किया है उससे काफ़ी निजात मिली है, कोरोना का असर कम होता जा रहा है और संपूर्ण विश्व के लोग भारत से प्रधानमंत्री जी से जैसे अमेरिका से राष्ट्रपति महोदय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहायता मांगी मदद मांगी तो मैं तो ये कहता हूँ कि केवल मेडिसिन की ही मदद नहीं प्रधानमंत्री जी को जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिल रही है कोरोना रोग भगाने के लिए उस आध्यात्मिक ऊर्जा एवं भारत के मेडिसिन के प्रयास से संपूर्ण विश्व को अमेरिका ही नहीं संपूर्ण विश्व को निजात मिलेगी और कोरोना संपूर्ण विश्व से सदा सदा के लिए दूर होगा। अभी लॉकडाउन का कई दिन बचा महाराज जी, विश्वनाथ जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारी जनता ने लॉकडाउन का स्वागत किया और सहर्ष प्रधानमंत्री जी के निर्देशों को स्वीकार किया इसलिए भारत को विजय श्री मिल रही है कोरोना से और 14 अप्रैल तक मेरा विश्वास है कि ये कोरोना भारत से चला ही जाएगा, ये पूरा विश्वास है भारत में 14 अप्रैल तक ये कोरोना रहेगा और हमारा लॉकडाउन सफल होगा, प्रधानमंत्री जी का प्रयास सफल होगा।